टी20 वर्ल्ड कप का 8वां मुकाबला इंडियन टीम और आयरलैंड टीम के बीच खेला जाएगा। इंडियन टीम इस मुकाबले के साथ अपने टी20 वर्ल्ड कप का आगाज कर देगी। अब देखने वाली बात यह है कि इंडियन टीम और आयरलैंड की टीम के बीच ये मुकाबला कौन जीतता है। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुकाबला न्यूयॉर्क स्टेडियम में हो रहा है, तो न्यूयॉर्क स्टेडियम की पिच और वहाँ की कंडीशंस किस तरीके की हैं। देखिए, न्यूयॉर्क स्टेडियम की पिच को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। वनिंदु हसरंगा, ऑनरिक नौरखिया, इरफान पठान से लेकर तमाम दिग्गजों ने, इवन फैंस ने भी ये कहा कि किस तरीके की ये पिच है और काफ़ी ज़्यादा स्लो आउटफील्ड है, स्लो पिच है, पेसर्स को मदद है। लेकिन उसके बाद फिर देखने को मिलता है कि यहाँ पर अनइवन बाउंस है, तो इस तरीके की तमाम दिक्कतें हैं इस पिच पर। तो अब देखना होगा किस तरीके से ये गेम जाता है। और वहीं अगर बात करें मैदान की, तो मैदान की जो आउटफील्ड है वो स्लो है, तो अब देखना पड़ेगा किस तरीके से ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करते हैं टीमों की, तो एक तरफ रोहित शर्मा की टीम है, तो वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम पॉल स्टर्लिंग लेड बाय ये टीम होगी। और अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमों में दिग्गज भरे हुए हैं। इंडियन टीम में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, सूर्यकुमार यादव जैसे भारी भरकम खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, तो वहीं आयरलैंड की टीम भी कुछ कम नहीं है। आयरलैंड की टीम में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, पॉल स्टर्लिंग हैं, इसके अलावा उनके गेंदबाज भी अच्छे हैं। तो अब देखना होगा किस तरीके से ये मुकाबला होगा। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो हेड टू हेड में दोनों ही टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंडियन टीम ने 7 के 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो ये चीज़ तो इंडिया के फेवर में है, बट लेकिन इसमें देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया इस मुकाबले को खेलती है। अब एक बात और आपको बताई जाए, तो इंडिया की टीम जो है वो अपने कैंपेन की शुरुआत इस मुकाबले से करेगी। हालांकि इंडिया की टीम ने वार्म अप मुकाबला खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, जो मुकाबला बहुत आसानी से जीत लिया था और इसी मैदान में खेला था वो मुकाबला। अब इस ग्रुप की बात की जाए, तो इस ग्रुप में 5 टीमें हैं। पाकिस्तान, इंडिया हॉट फेवरेट्स हैं कि ये सुपर 8 में चली जाएं, लेकिन आयरलैंड को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही यूएसए और कनाडा भी है। यूएसए कनाडा अपने मुकाबले खेल चुकी है, अब इंडिया और आयरलैंड अपने मुकाबले खेलेगी। इसके बाद फिर पाकिस्तान, जो कि अभी तक अपने मुकाबले नहीं खेली है, वो भी अपने मुकाबले खेलेगी। तो ये रही आयरलैंड और इंडिया के मुकाबले की बात। अब देखना होगा कि आयरलैंड जीतती है ये मुकाबला या इंडिया जीतती है।